नमस्कार सर। नमस्कार। क्या इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज़ सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज़ को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए? अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहें। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत है। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। हम तीन लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने नहीं बात सुनी। और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है।
और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके दो तीन आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान, पूरा पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे, ये रियलिटी है। देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम, लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पीपल लिव ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। दीज आर लेबरर्स, दे आर फार्मर्स, दे आर स्मॉल ट्रेडर्स, दीज आर दीज पीपल एंड दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट एग्रीकल्चर हैज टू बी रिफॉर्म। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इफ यू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम दीज मिलियंस ऑफ पीपल विल हैव नथिंग टू डू, दे विल नॉट बी एबल टू फीड देमसेल्व्स एंड यू विल क्रिएट मैसिव डिस्ट्रक्शन, मैसिव पेन इन द कंट्री। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर डूइंग दिस? इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग दिस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प टू और थ्री बिजनेस पीपल। ही डज नॉट केयर वॉट हैपन्स टू दीज पीपल। ही विल कंस्ट्रक्ट वट एवर नैरेटिव ही हैज टू कंस्ट्रक्ट टू मेक श्योर दैट द वेल्थ ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस टू थ्री और फोर पीपल कंटिन्यूज। He will call people terrorists, he will call people anti-nationals, he will call people criminals, he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, three or four of them, five of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, you know, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of three or four other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pocket. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face this. There's not going to be a single person in this country who's not going to face this. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we are standing here. That is why I have gone to the president. That is why we signed these bonds. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country, stand up. But aap police lagwate ho? Hathras jaate arrest karte ho? तो एआईसी से हमारे एमपी को बाहर नहीं निकलने देते हो और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू दिस। आपने थोड़ा सा करना है, आपने दो तीन लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते, उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है,
और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है, और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है, मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है, बहुत डेंजरस रास्ते पर ये देश चल रहा है। कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग अपलांटा की वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो, ये कौन सी देश की बात कर रहे हो डेमोक्रेसी, या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो, इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना, तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की, आप देश की महिला है, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना, मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना, किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया, क्या इन दो तीन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया? 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है।